नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा और मैं हूं आपके साथ मुकेश बेनीवाल। पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी ने अपना कहर ढाया हुआ है। इसी कोरोना महामारी के चलते भारत में भी पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन करने के बाद पूरी तरह से अर्थव्यवस्था भी डगमगाई हुई है और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं जो सुबह दिहाड़ी करके शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं उनका बाहर जाके कमाना भी मुश्किल हुआ है। तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए मैं आपको बता दूं कि बजरंग दल, सेवा दल और नामधारी समुदाय के कुछ संगठनों ने मिलकर सिरसा जिला के लिए जो प्रयास किया है जहाँ यहाँ के जो ज़रूरतमंद परिवार उन तक वो समय खाना बना करके उनके हर घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इधर मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा साइड स्क्रीन पे। आज हम हैं गांव कहरवाला में, गांव कहरवाला के कुछ युवा साथियों के द्वारा राशन एकत्रित किया गया और जो राशन एकत्रित किया है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। युवा साथियों ने बताया कि यहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी गई, एक एक करके लोग अपने घर से राशन पानी दे करके गए हैं और वो इकट्ठा करके बजरंग दल और नामधारी समुदाय से कुछ व्यक्ति आए हुए हैं, उनको आप इस गाड़ी में देख सकते हैं। वो राशन जहाँ पे ये बना के ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाते हैं उन्हें दिया जाएगा। आपने जो गांव के अंदर राशन एकत्रित करवाया है, किस तरह से लॉकडाउन की पालना की है और किस तरह से लोगों का जो ज़रूरतमंद परिवार है उन तक राशन पहुँचाने के लिए लोगों का रुझान वो मिल रहा है आपको? सबसे पहले सर सबको राम राम। ये जो आप बोल रहे कि अनुपालन नियमों का पूरा किया गया है, पूरा पालन किया गया नियमों का, सभी के मुंह पर मास्क है और सैनिटाइजर द्वारा पहले सभी को सैनिटाइज किया गया और टोटल डिस्टेंस द्वारा सभी आप कैमरे की निगाह से देख सकते हैं अभी सभी डिस्टेंस में खड़े हैं और सभी बढ़िया तरह पालन करके और एक बोल पे कैरवाड़ा ग्रामवासियों ने एक बोल पे यहाँ पे आकर खुद आकर उन्होंने ये जो आप देख रही है गाड़ी में ये जो अनाज जो भी है चाह वगैरह चाह चीनी गुड़ आटा कनक जो भी सभी ने ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया है उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामारी के चलते उन्होंने जो इतना बड़ा योगदान दिया केरवाड़ा वालों ने। कोविड-19 की महामारी से जो वंचित परिवार रह गए थे, जो भूखे हैं प्यासे, जो रूटीन वर्क कर कर अपने घर का गुजारा चलाते थे, उनके लिए आज केरवाला युवा साथियों ने बहुत मिलकर भरपूर सहयोग करा है। क्योंकि तब कहते हैं कि एक कवि ने कहा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। आज के युवा साथियों ने वही करके दिखाया कि युवा किसी से कम नहीं है और जब युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है तो ऐसा कोविड-19 महामारी के अंदर इन्होंने इतना भरपूर सहयोग करा और आने वाले समय भी इन्होंने सभी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में सिरसा ही क्यों ना हो, कहीं पर भी चाहे कहीं पर भी हमारे स्टेट में कहीं दिक्कत आती हो हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ऐसे युवा साथी भी हमारी सिरसा की धरती में जन्मे और ऐसे ही लाल माँ ने जिनको जन्म दिया, तो ऐसे सबका हम सहयोग करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर बजरंग दल की भी कहीं जरूरत पड़े तो हम इनके साथ खड़े हैं। क्या आपके मन में ये भी है कि ये जब कोरोना महामारी यहाँ से समाप्त हो जाएगी, भूखे परिवार तो तब भी रहते हैं, तो उनके लिए आगे इन युवा सदस्यों का और इन क्लबों का, इन कमेटियों का आगे क्या रणनीति रहने वाली? आगे रणनीति ऐसे है कि पूरे सिरसा जिला आपके मायने में रखते हो कि पूरा सिरसा अन्न का भंडार हमारे इतिहास में ही रहा है। हम देखते चाहे अमरनाथ के भंडारे लगते हो, चाहे खाटू श्याम के भंडारे, सालासर, कहाँ भी भंडारे लगते हो तो पूरे सिरसा का योगदान रहता है और हर महीने भंडारा रहता है। तो हम ये नहीं चाहते, ये तो प्रश्न ही नहीं होता कि कोई हमारे सिरसा ज़िले के अंदर भूखा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर रोटी बैंक और जहाँ जहाँ क्लबों की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ क्लब भी और युवा साथी अपना यूटिलाइज और समय वहाँ पर देते जरूर है। धन्यवाद। इन युवाओं की सोच है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर एक भारतवासी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई उपचार नहीं आया, बचाव ही एक उपचार है। जितना एक दूसरे से दूर रहा जाएगा, अपने अपने घरों पर रहा जाएगा, सुरक्षित रहा जाएगा, इस जो कोरोना महामारी की बीमारी की जो कड़ी है उसे तोड़ने के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी, अपने अपने घरों में रहें, बेहद ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से बाहर न निकलें। कैमरा सहयोगी उमेद पारिक के साथ मुकेश बेनीवाल के हरियाणा।